दोस्तों 60 एचपी कैटेगरी में काफ़ी शानदार ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको मिल जाती है डुअल लिफ्टिंग पावर स्टीयरिंग और लिफ्ट और पावर स्टीयरिंग के लिए अलग अलग पंप। ये ट्रैक्टर साइड शिफ्ट के साथ में आया है, जो कि रियल साइड शिफ्ट है और एबीसी गियर के साथ में है। ट्रैक्टर कंपनी ने ऑयल मस्ट डिस्क ब्रेक और डुअल क्लच के साथ में लॉन्च किया है। बैक साइड में डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है और ये इजी हिच का फीचर भी इस ट्रैक्टर में ऐड किया गया है। बाईस सौ आरपीएम तक भाइयों ट्रैक्टर जाता है। पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी शानदार है। अब इसके बाद में सेकंड गियर लग गया। गियर शिफ्टिंग काफ़ी शानदार है भाई। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसान भाइयों, प्रीत ट्रैक्टर कंपनी ने अपना प्रीत का ये प्रीत 60 49 सुपर ट्रैक्टर लॉन्च किया है नए फीचर्स के साथ में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रैक्टर का लुक ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। तो साइड प्रोफाइल से देखें तो यहाँ पे प्रीत सुपर 60 49 फाइव स्टार की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और फ्रंट से कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर का लुक है। तो लुक में बिल्कुल ट्रैक्टर का बिल्कुल डिफरेंस कर दिया गया है। पहले से लुक बिल्कुल इस ट्रैक्टर का बिल्कुल ही अलग है, इधर से भी आप लोग देख सकते हैं। और फीचर्स में भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के बारे में। तो भाइयों, पूरी जानकारी आप लोगों को इस ट्रैक्टर के बारे में देखने को मिलेगी, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो भाइयों, पीछे से भी आप लोगों को दिखा दें तो कुछ इस प्रकार से बैकएंड साइड से ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक है। तो चलिए अब आप लोगों को इस ट्रैक्टर का इंजन दिखाते हैं, क्योंकि इंजन में सबसे बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर में कंपनी ने किया है। तो भाइयों, यहां से आप लोग इसका की के द्वारा बोनट खोल सकते हैं और बोनट भी अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाता है, जहाँ पर शॉक एब्जॉर्ब्स वगैरह दिया गया है। और 8 इंच का बड़ा ड्राई टाइप का एयर फिल्टर स्ट्रक्चर में दिया गया है डुअल एलिमेंट के साथ में। और ये देख सकते हैं कूलेंट विद रिजर्वायर और पावर स्टीयरिंग के लिए भी अलग से इसमें ये बॉक्स दिया गया है पावर स्टीयरिंग ऑयल का। तो भाइयों, सबसे बड़ी जो खासियत है इस ट्रैक्टर की इंजन की है, क्योंकि ये ट्रैक्टर अब 3 सिलेंडर के साथ में आ रहा है। भाइयों, आप लोग देख सकते हैं प्रीत का 60 49 सुपर ट्रैक्टर है भाइयों, 3 सिलेंडर के साथ में है। तो अब इस ट्रैक्टर का जो माइलेज है काफ़ी शानदार मिलने वाला है किसान भाइयों को, और पावर में कोई भी कमी नहीं है भाइयों। ये जो ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर 58 हॉर्स पावर के साथ में कंपनी ने लॉन्च किया है, 60 एचपी कैटेगरी का भाइयों ट्रैक्टर है। तो इंजन वगैरह का लुक आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी EGR वगैरह नहीं लगा हुआ है भाइयों। ये वाटर सेपरेटर वगैरह दिया गया है, डीजल फिल्टर यहाँ पे डुअल वाले मिलते हैं, माइक्रोबस की इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिलती है, और रेडिएटर जो है काफ़ी बड़ा कंपनी ने इस ट्रैक्टर में ऑफर किया है। इस साइड से देखें तो यहाँ पे ये अल्टरनेटर वगैरह दिया गया है, लिफ्ट की पंप और पावर स्टीयरिंग की पंप अलग अलग दी गई है। फ्रंट भी काफ़ी हैवी है और उसी के साथ में डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हैवी एक्सल देखने को मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। तो बात करते हैं अब इस ट्रैक्टर के टॉर्क की, तो 220 Nm टॉर्क के साथ में और 28% तक के बैकअप टॉर्क के साथ में ये ट्रैक्टर भाइयों आता है। तो पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खास जनरेट करेगा, साथ ही 3 सिलेंडर होने के साथ में ट्रैक्टर माइलेज भी काफ़ी बढ़िया देगा। तो अब बंद कर देते हैं इस ट्रैक्टर का बोनट और भी फीचर्स आप लोगों को दिखा देते हैं। तो भाइयों, ऐसे केवल पुश करने पे इस ट्रैक्टर का बोनट बंद हो जाता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर से ट्रैक्टर के बारे में, यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स वगैरह चेंज किए गए हैं। तो उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं डिस्क्रिप्शन प्लेट। तो यहाँ पे SFC वगैरह देख सकते हैं, 285 ग्राम पर किलोवाट इसकी SFC है और मैक्सिमम जो PTO पावर है 31 किलोवाट की PTO पावर है इसकी। तो HP में अगर बात करें तो 42 HP की PTO पावर है भाइयों। और जो बात करें इसके मॉडल की, तो 60 49 सुपर आप लोग देख सकते हैं, 2022 का मॉडल है भाइयों।
न्यूली लॉन्च ट्रैक्टर है, बिल्कुल अभी हाल में ही लॉन्च हुआ। चढ़ने के लिए यहाँ पे सिंगल स्टेप और ये प्लेटफार्म वगैरह काफ़ी शानदार दिया गया है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को साइड शिफ्ट देखने को मिलता है, वो भी रियल साइड शिफ्ट है, बुल टाइप वाला नहीं है। जो रियल साइड शिफ्ट है उसके जो गियर शिफ्टिंग है काफ़ी शानदार रहती है। बाकी ये ट्रैक्टर ABC गियर के साथ में है, आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका हाई लो मीडियम गियर लीवर, यहाँ पे लास्ट में हाई है, फिर न्यूट्रल है, फिर मीडियम, फिर न्यूट्रल और फिर लो में आ जाएगा। इस साइड में देखें तो ये मेन गियर लीवर है, जहाँ पे चार गियर आगे के एक रिवर्स गियर। तो टोटल आप लोगों को इस ट्रैक्टर में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्पीड देखने को मिलेंगी। मतलब स्पीड का कोई भी झंझट नहीं है, चाहे आप सुपर सीडर पे चलाएं या एक्स्ट्रा रिपर पे, आपको मनचाही स्पीड इस ट्रैक्टर में मिलेगी। भाइयों, डुअल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है और मल्टी डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। और अब आप लोगों को दिखाते हैं डैशबोर्ड इस ट्रैक्टर का। तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड है, यहाँ पे कॉम्बो स्विच है जिसमें हॉर्न स्विच, हेडलाइट और इंडिकेटर, पार्किंग स्विच वगैरह देखने को मिलेंगे। इस साइड में ये हैंड रेस लीवर है और यहाँ पे पैर वाली रेस दी गई है। भाइयों, यहाँ पे लिफ्ट वाले लीवर दिए गए हैं, जहाँ पे ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर और पोजीशन कंट्रोल लीवर दिए गए हैं। और पीछे देख सकते हैं DCV भी आप लोगों को डुअल वाला देखने को मिलेगा, यह इसका हैंडल है। और इजी हिच फीचर भी आप लोगों को इस ट्रैक्टर में मिलेगा, ये देखो, देख सकते हैं, जिसे पीछे खड़े होकर इजी हिच फीचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब आप लोगों को इस ट्रैक्टर का मैं साउंड सुनवाता हूँ, आवाज़ वगैरह देखना ट्रैक्टर की कैसी है। तो स्टार्ट करता हूँ। ₹2200 RPM तक भाइयों ट्रैक्टर जाता है। और अब दिखाता हूँ इस ट्रैक्टर की गियर शिफ्टिंग। तो ये पहला गियर लग गया, ठीक है, और पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी शानदार है। अब इसके बाद में सेकंड गियर लग गया, गियर शिफ्टिंग काफ़ी शानदार है भाइयों। गियर शिफ्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाइयों, गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है ट्रैक्टर की, बाकी पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी शानदार है, कटाई आप लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों ही फीचर्स ट्रैक्टर में काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि साइड शिफ्ट है पहले से काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने भाइयों इस ट्रैक्टर में दिया है। तो साइड शिफ्ट काफ़ी बढ़िया है, फुली कॉन्स्टेंट्स में टेक्नोलॉजी का गियरबॉक्स है, बाकी स्पीड भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंफर्टेबल सीट वगैरह भी दी है। पहले के मुकाबले में जो बैक रेस्ट वगैरह है काफ़ी ऊंचा दिया गया है, तो चलाने में भी जो ड्राइवर रहेगा उसको काफ़ी ज़्यादा आरामदायक रहेगी सीट वगैरह। और आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने वेट और हाइट के हिसाब से, आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रीत 6049 सुपर में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया बदलाव किए हैं, जो कि कंफर्ट का और साइड शिफ्ट का काफ़ी बढ़िया बदलाव है। और माइलेज का भी कंपनी ने इसमें ध्यान रखा है, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन लगा के दिया है, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दी है। और पीछे से भी दिखाते हैं तो DCV वगैरह भी दे दिया है, इजी हिच फीचर भी दे दिया है। केवल एक दो कंपनी में ही ये फीचर आता है, स्वराज में वो फीचर इस कंपनी ने अपने ट्रैक्टर में दिया है, बाकी स्ट्रेट एक्सल के साथ में है। और पिछला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम स्वराज 744 से 855 जैसा ही डिज़ाइन में सेम वैसा ही है। और लिफ्ट पट्टी भी काफ़ी हैवी दी गई हैं, जैसा कि 60 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, तो उस प्रकार से कोई भी कमी कंपनी ने इस ट्रैक्टर में नहीं छोड़ी है। बाकी अब बात कर लेते हैं टायर साइज़ की, तो अपोलो के टायर इस समय इस ट्रैक्टर में आ रहे हैं, जो कि 16x28 के हैं भाइयों, और आगे के जो टायर हैं 7x50x16 के हैं। तो फीचर्स वाइज देखा जाए तो ट्रैक्टर फीचर्स लोडेड है, फुल फीचर्स आप लोगों को इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीत कंपनी का 6049 सुपर ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया मुझको लगा फीचर्स वाइज। और कीमत की अगर अब बात कर लें तो लगभग 7 लाख के अराउंड आप लोगों को ये ट्रैक्टर ऑन रोड पड़ जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में। बाकी जो ये प्राइस हैं, लखीमपुर में प्रीत ट्रैक्टर शोरूम, जयमा ललिता ट्रैक्टर्स का जो शोरूम है वहाँ के प्राइस हैं भाइयों, लखीमपुर खीरी के। तो भाइयों, आप लोगों को ये प्रीत 6049 सुपर 58 HP कैटेगरी का जो ट्रैक्टर है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।